भुने हुए चने खाना किसको नहीं पसंद है। वैसे तो हमारा जब भी मन करता है तो हम ठेले वाले भैया से ये चने जो कि वो रेत में भूनते हैं हम लेकर के आते हैं और उनको एंजॉय करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं बिना रेत के आपको घर में ही चने आसानी से भूनना बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल कुकिंग विद पूनम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम घर पर ये भुना चना कैसे आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो कटोरी में चने लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये छोटे वाले चने हैं, काले वाले जो चने हैं तो ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, जो कि हम पंसारी की दुकान से लेकर के आते हैं घर में भाजी वगैरह बनाने के लिए। और ये मोटे वाले चने हैं, मार्केट में दो तरह के चने अवेलेबल रहते हैं। देखिए कितना डिफरेंस है दोनों के आकार में, वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है। अगर अच्छा रिज़ल्ट लेना है तो इन चनों का यूज़ आप करें, ये वाले चने जो छोटे वाले चने हैं इनसे उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है, कई बार जल जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक लोहे की बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। जी हाँ, नमक। ये नमक का कलर चेंज लग रहा है आपको, क्योंकि मैंने इसको कई बार बेकिंग में यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो मैं डिब्बे में भर के रख देती हूँ, तो हमको इसको गरम कर लेना है। तो नमक हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, बिल्कुल ही गरम नमक में हम दो मुट्ठी चने डाल रहे हैं। इन चनों को मैंने ना भिगोया है ना कुछ किया है, डायरेक्ट मैं इनको कढ़ाई में डाल रही हूँ। और इस समय नमक पूरी तरह से गरम होना चाहिए, कढ़ाई भी गरम होनी चाहिए अच्छे से। और अगर हम ठंडे नमक में डालेंगे तो जब तक नमक गरम होगा चने हमारे झुलस जाएंगे, वो अच्छे से बन नहीं पाएंगे। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखेंगे और इसको कंटिन्यूसली हम चलाते रहेंगे, हमको लो फ्लेम पे नहीं बनाना है, हमको इसको गैस का फ्लेम हाई करके ही बनाना है। बस एक मिनट भी नहीं लगेगा, आप देखेंगे चने हमारे भुनने शुरू हो जाएंगे। देखिए कितनी जल्दी बातों बातों में ही चने हमारे फटने शुरू हो गए हैं। इसी तरह से कंटिन्यूसली हम चलाते हुए अपने सभी चने फटने तक इसको हम चला लेंगे, गैस का फ्लेम हम हाई ही रखेंगे। तो देखिए कितना आसान है इनको बनाना। तो लीजिए चने हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, सभी चने देखिए फट करके तैयार हो गए हैं। और ये इतने सॉफ्ट बनते हैं कि कभी भी आपका मन करे तो गरम गरम आप इनको बना करके और खा सकते हैं। तो ये लीजिए तैयार है हमारे सभी चने, हमने स्ट्रेनर में ऐसे निकाल लिए हैं। आपके पास भी कोई आटा चालने वाली चलनी हो, ऐसा हो झारा, तो आप निकाल लीजिए। तो ये लीजिए तैयार हैं गरम गरम भुने हुए चने। अब हम कभी भी मार्केट से आप चने नहीं लाएंगे, घर में ही आसानी से चने बना करके तैयार करेंगे। देखिए जो भी दाना हम उठा रहे हैं सब दाना आसानी से उसका छिलका निकल जा रहा है। तो इस तरह से ये बहुत ही सॉफ्ट चने हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हैं हमारे बिल्कुल ही ठेले वाले भैया जैसे चने। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और